दवाइयां बनती हैं, उन दवाइयों को आप खाते हैं यानी पीते भी होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि इन दवाइयों के अंदर क्या क्या केमिकल डाला जाता है। कई ऐसे भी लोग होते हैं कि किसी जानवर का नाम ले लेते हैं, भैया इसमें ये होगा उसमें वो होगा, लेकिन हकीकत क्या होती है? हकीकत होती है कि उनमें कई सारे केमिकल्स जो है डाले जाते हैं जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ केमिकल शरीर के लिए थोड़े से नुकसानदेह भी होते हैं। लेकिन सुदर्शन फार्मा जो होता है वो ऐसे केमिकलों का इस्तेमाल करता है, ऐसे केमिकल लाता है जिससे आपके शरीर को बहुत फायदा होता है। और जब ये केमिकल और सुदर्शन फार्मा ऐसी केमिकलों को मिला के एक दवाई बनाते हैं तो आप तो निरोगी रहेंगे। हमारे साथ संतोष ठाकुर जी हैं जो बताएंगे आपको कि कौन से केमिकल हम कब लाते थे और कब बनाते थे और आज इंडिया में हम अपने केमिकल को इस्तेमाल करते हैं ताकि सस्ती दवाइयां आप तक पहुंचे। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बताइए सर कौन सी केमिकल इस्तेमाल की जाती है और किनको हम आज जीत चुके हैं, किनको हम सस्ते दामों पे यहाँ पे जीते हैं। वेरी वेल सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस, माय नेम इज संतोष ठाकुर। सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्री लिमिटेड में मैं बेसिकली सोर्सिंग का एक्टिविटी देखता हूँ। माय जॉब इज टू सी दैट द प्रोडक्ट विच वी आर यूजिंग इन आवर मेडिसिन इज फ्रॉम द रेपुटेड मैन्युफैक्चरर, उसके सारे सर्टिफिकेशन हो। अगर किसी कारणवश कुछ ऐसे API है, एक्टिव फार्म इंग्रेडिएंट्स, जिसमें किसी जानवर का कुछ, वैसे बहुत कम होता है मेडिसिन बिकॉज वी हैव वेरी मच सेगमेंट, तो हलाल कोशर सर्टिफिकेट वगैरह सब हम चेक करके लाते हैं। कई पेशेंट दवाइयां नहीं खाते हैं। यस यस, फिर प्रॉब्लम बहुत। यस करेक्ट। सी वी आर अ रिस्पॉन्सिबल एंड रेपुटेड कंपनी सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्री लिमिटेड, एंड जैसे हमारा एक स्लोगन है कि हेल्थ इज वेल्थ एंड वी सब सोसाइटी, ये सब सोसाइटी डेट ईच एंड एवरी इंडियन शुड एफोर्ड द मेडिसिन विच इज नीडेड, जो आवश्यकता दवाइयां है वो लोगों तक पहुंचे, अच्छे प्राइस में पहुंचे, उसके प्राइस स्केल ज़्यादा ना हो। हम कोशिश ऐसा करते हैं कि हम जब दवाई बनने के पहले जो रॉ मटेरियल है API वो अच्छे से मंगाए, अच्छे प्राइस पे मंगाए, और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सो वी सी दैट द कॉस्टिंग पार्ट इज टेकन केयर, सो दैट द मार्केट, इन द मार्केट व्हाट प्रोडक्ट वी आर सेलिंग आउट इज विद अ रीजनेबल प्राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंड मी एज अ संतोष ऑल्सो टेक केयर ऑफ यू प्रोडक्ट्स लाइक ऑक्सीस्ट्रॉन्ग के बारे में स्पेशली बोलूंगा। ऑक्सीस्ट्रॉन्ग एक प्रोडक्ट है जो विच गोज इन टू अ वाटर ट्रीटमेंट। देखिए आने वाले कल में पानी का बड़ा किल्लत है, बिल्कुल पानी की शॉर्टेज हम देख रहे हैं, बारिश और बाकी चीजें हैं उसमें, इलाकों में तो पानी की शॉर्टेज है, तो मुझे लगता है जहां आपके इलाके में भी हो सकता है पानी की शॉर्टेज, तो कुछ सॉल्यूशन उनका बताने वाले हैं। यस, तो अभी वाटर को अगर मैं बोलूं तो वाटर बेसिकली इज बीन कैटेगराइज इन थ्री पार्ट। एक रॉ वाटर होता है जिसमें आप सीधे झरना से, नदी से जो पानी आता है। फिर एक प्रोसेस वाटर होता है जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, वाटर विच इज यूज फॉर द इंडस्ट्री, एंड देन एक ETP जैसे इन्फ्लुएंट वाटर है जो कि वेस्ट वाटर है। तो प्रोसेस वाटर में भी हम डायरेक्ट उसको कंज्यूम करें वो ज़्यादा सेफ नहीं होता। सिर्फ पानी दिखता क्लियर है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेनिक्स, बैक्टीरिया, काफ़ी चीज़ें होती है जो टेक केयर करने वाले, अदरवाइज क्या होएगा, द डिजीज, यू विल कम इनटू कांटेक्ट विद डिजीज। या सो माय प्रोडक्ट ऑक्सीस्ट्रॉन्ग विच इज बेसिकली अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ थाईलैंड कंपनी नेम सॉल्वे, एंड वी आर द ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर इन द पैन इंडिया मार्केट। ये प्रोडक्ट पानी के अंदर प्रेजेंस बैक्टीरियाज को, पैथोजेनिक्स को खत्म करता है पूरी तरह, और उसे पीने लायक, मतलब ज्यादा शुद्ध बनाता है। ये हेल्थ के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है बिकॉज इसका जो कॉम्बिनेशन ही इस तरह से है कि उसमें जो कंटेन पार्ट रहता है वो लास्ट में जो बचता है वो ऑक्सीजन और वाटर ही बचता है। लेकिन कई कई ऐसे कंफ्यूजन होते हैं आजकल, बहुत सारे मैसेज मुझे भी मिलते हैं, कई सारे ऐसे चीजें मिलती है कि पानी को अगर आप कुछ करते हैं तो उसमें कुछ विटामिन निकल जाते हैं जो आप पियो। हाँ हाँ, तो ये मैं आपको बोलता हूँ पानी में क्या है। सिर्फ पानी जो है वो जब हम पीते हैं वो हेल्थ के लिए फायदेमंद कैसे होता है उसको समझिए। पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। व्हेन वी से अ डिस्टिल वाटर है, इसका मतलब वो वाटर को प्रोसेस करके उसका मिनरल हटा दिया गया है, यानी वो पानी आपके हेल्थ के लिए। अच्छा, वो मिनरल वाटर में वो तो मिनरल नहीं नहीं रहता है, ये इस बात को समझिए जरा सा आप। और आप गौर कीजिएगा, आप जब देखते हैं कि जो ब्रांड होती है, ठीक है, जो कुछ ब्रांड होते हैं वहां पे वो लिखा रहता है बॉटल के ऊपर कि
एक्स्ट्रा एडेड मिनरल्स, यानी उसमें वो मिनरल्स ऐड करते हैं, डाले जाते हैं। शायद इसके लिए वो जो ब्रांड है बिस्लेरी है या कुछ ऐसे ब्रांड जो 80-90 रुपए में बिकते हैं वो एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनको वो हिसाब से ट्रीट किया गया है। द प्रोसेस दैट इज डिफरेंट कॉल, मतलब ओजोन एक तरह से ट्रीटमेंट है पानी को ट्रीट करने का, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो जो बोतल बिकते हैं एक्सपेंसिव, इट इज बीन ट्रीटेड बाय ओजोन। ओजोन फर्स्ट लेवल ऑफ वाटर ट्रीटमेंट है, आवर प्रोडक्ट कम्स इन सेकेंड लेवल। माय प्रोडक्ट इज बेसिकली ये डिसइंफेक्टेड एज वेल एज ऑक्सीडेंट एजेंट। तो मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो ड्यूरेबल है, वो यूजेबल है, वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है। इस्तेमाल कैसे करते हैं सर? इसका बहुत सिंपल सा है। पहले तो जहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है, रो वाटर में है या प्रोसेस वाटर में है या फिर आपका इन्फ्लुएंट ईटीपी वाटर में है, उस पानी के पैरामीटर को समझना होता है कि भाई इसमें टर्म क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें प्रेजेंस क्या है। एक बार आप पानी को समझते हैं उसके बाद वो हिसाब से आपका डोजिंग डिसाइड होता है। डोजिंग बहुत सिंपल है, ये 24 आवर्स में एक बार ही देना होता है। इट इज़ अ सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट, जब पानी में जाता है ये एक सर्टेन टाइम के बाद ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद अपना काम करता है। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि रॉ वाटर जो ड्रिंकेबल है उसमें आप जब ये डालते हैं तो उसकी कंटेंट जो है वो बहुत कम रहते हैं, लेस देन 2-3 ppm। जब ये प्रोसेस वाटर में जाते हैं इंडस्ट्रियल यूज में तो इसके कंटेंट दूसरे होते हैं। जब ये बाहर ATP में, देखिए पानी बचाना, हम पानी बना नहीं सकते, इट इज अ नेचुरल कम्युनिटी, वी कैन नॉट क्रिएट वाटर, बट यस वी कैन सेव वाटर, बचा सकते या उसको रीयूज कर सकते। तो एक सेगमेंट है जो इन्फ्लुएंट का है, जिसमें इंडस्ट्री से बहुत सारा वेस्ट वाटर निकलता है और वो ऐसे ही सोसाइटी में चला जाता है, नदी में जाता है, ये मैसेज में जाता है जो मतलब इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो जो गंदा पानी को गंदा समझ के फेंक रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट से वो सेव कर सकते हैं। करेक्ट, देखिए गवर्नमेंट अपने स्केल पे अवेयरनेस करती है कि भाई आपका जो वेस्ट वाटर है उसको न्यूट्रल करके, पैरामीटर्स होते हैं न्यूट्रल करके आप डिस्कार्ड कीजिए, लेकिन वो होता है नहीं होता है या जो आउटडेटेड प्रोसेस हमारे इंडिया में अवेलेबल है, आज भी हम पुरानी थियोरी पे काम करते हैं जिससे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। बट आई फील लाइक स्लोली वी इंडियंस आर एजुकेटिंग, वी इंडियंस आर डेवलपिंग, अवेयरनेस हमारे सोसाइटी में आ रहा है, लोग इस बात को समझते हैं कि इस तरह से हमको वेस्ट ना करना है। वेस्ट नहीं करते हुए आजकल इंडस्ट्री उसको रीयूज करती है। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सुदर्शन फार्मा है ये आपके शरीर के साथ साथ समाज के लोगों के लिए भी काम कर रही है, और इसमें एक कदम ये भी है कि जल ही जीवन है, जो सुना ही था, लेकिन अब जल को ही बचाने का काम कर रहे हैं। तो संतोष ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो जानकारी दी। तो इसी तरीके से और सुदर्शन फार्मा की जानकारी हम इस वीडियो में लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।